आ गया कुकुर बिलार का खाना। ए चुपचाप खा ले, नहीं तो इहो नहीं मिलेगा। अरे ऐसी हालत में खाना नहीं खाओगी तो कैसे होगा जी? ए चल, तुझसे कोई मिलने आया। बाबू अयोध्या सिंह जी कह रहे हैं यही लिए तुमको क्रियाक्रम जाने की इजाजत मिल रही है। जो शेखर और इस हवेली के लिए किया है वो आज के जमाने में तो कोई अपना भी नहीं करेगा। हमें सब पता है सारी सच्चाई। तुमने अपने त्याग से ये साबित कर दिया है कि तुम एगो सच्ची दासी हो। फिर चाहे ये त्याग तुमने अपने मालिक के लिए किया हो या मालिक की मां के लिए। इतना सब करने के बाद भी कौनों के मुंह से तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं निकलेगी। इतना ही नहीं, आज तुम्हें और एगो अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। आज फिर से और एक बार तुम्हारे मालिक को तुम्हारी जरूरत है और इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। अपने मालिक के घाव को सिर्फ तुम अपने त्याग से भर सकती हो। क्या तुम तैयार हो नौकी दुल्हन? मुखाग्नि जी।
ठाकुर साहब, कर्मकांड बीच में रोकना ठीक नहीं है। हथियारिन यहां का आई है? हमार पूछिया क्या आप कुछ भी नहीं रखते का? ये का तमाशा कर रहे हैं आप? बकवास बंद करो। तुम्हारे बच्चे हमरे लिए हमरे जान से बढ़कर हैं। उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती, यही लिए लाली को लाए हैं। लाली जब आगे बढ़ो, अपना काम करो, इस समय वो जरूरी है। एक कदम भी आगे बढ़ा तो हाथ पैर वहीं काट के रख दूंगा। चुप। अरे बेटी चिता पे पड़ी है, वो बेटा लाश बना पड़ा है, अब क्या पूरे खानदान को शमशान बना देगा? इस समय बेटा जौन अवस्था में है, उसमें से उसे बाहर निकलना जरूरी है। लाली को हम लाए हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो बाद में निपट लेना। जाओ लाली, जाओ अपना काम करो। ठाकुर देखिए ना, दीदिया जी को जलाया जा रहा है। आखिरी बार जाकर अपने बहन को आंचल से देख लीजिए। देख नहीं पाइएगा दीदिया जी। बाकी आप एलिया अगर दुखी हैं कि हमरे हाथ से उनका मौत हो गया, तब दुखी मत होइए। हम नहीं मारे दीदिया जी को, वो तो अपने से मर गए। हम तो मुकुल को मारना चाहते थे, आ गई आपकी बहन बीच में, हम क्या करते? गोली चला दी। हम तो नहीं ना चाहते थे कि दीदिया जी का बियाह मुकुल से हो। हम कहे थे आपको, याद है ना, कहे थे, तो कहे नहीं किए कुछ हुआ, चला दिए गोली, अब आ गए बीच में। ए! वहीं रुक जा, आगे नहीं बढ़ना। अरे अब ऐसे भूत बने रहने से क्या फायदा? मुकुल के साथ जिंदा रह के अच्छा था कि हमरे हाथ से मर गई। मार दिया हम, कुछ कर सकेगा कोई? Ha ha ha!
तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की? हमारी बहन हमारी रत्ना को मारी तू? जेकरे लिए हम अपनी सारी इच्छा मार दिए तू उसी को मार दी? तुझको क्या पता उका थी हमरे लिए? तू हमसे प्रेम करती है तो काहे जान ली अपनी बहन की? हमसे प्रेम करती है? कौन दुश्मनी निकाली हमारी बहन से? क्या बिगाड़ी थी तुमने? क्या करते हो? क्या करते? शरीर के कोनों होंगे ना, अगर जहर फैल जाए तो उसको काट के फेंक देते। दीदी जी मुकुल से प्रेम करती थी, ब्याह करना चाहती थी उससे। ओकरे साथ जीती ना, उसे अच्छा था कि हमरे हाथ से मर गई। तुमसे प्रेम करके, तुमसे ब्याह करके, तुमको अपनी पत्नी का दर्जा दे कर हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। अब से तू हमारी कुछ नहीं, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मुझे तुझसे नफरत करता हूं मैं तुझसे। छूट गए रिश्ते नाते, बालों की भीत बनाते, ओझल है सुख की इस औरत को अपने सामने से ले जाओ। इससे पहले आप इसकी जान ले ले, इस औरत को याद ले जाओ। गाली सुहागिन रही ना अब तो, औरत हूँ दूजो अगले ले।
हमको क्षमा कर दीजिएगा दीदी जी। हमको पता है कि आप हमेशा यही चाहती थी कि आपके भैया हमेशा ठीक रहे, सुख शांति से रहे, इसलिए ये सब करना जरूरी था। नहीं जाओ इस औरत को मेरे सामने से। कोठरिया तक छोड़ के आओ और सुबह होने तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। अब उजड़ा ही बनता फसाना। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उदासी नहीं है हमरे लिए, हमरी खातिर ही और बहुत कुछ है। लेकिन ये सिंदूर तो अनमोल है, इसको भर तो दीजिए हमरे मांग में। हम तो नहीं ना चाहते थे कि दीदिया जी कभी आओ मुकुल से। हम कहे थे आप क्या तो कहे नहीं किए कुछ हुआ। अरे मार दिए हम दीदिया जी, मार दिए हम दीदिया।
बाबू जैसा प्रेम करने वाला इंसान आज तक हम नहीं देखे रहे। उनके साथ रह के तो हम प्रेम का असली अर्थ समझे। हम अपनी जिंदगी से अपने मन से तुम्हारी हर निशानी मिटा देंगे, खत्म कर देंगे उस सब जिसमें तुम हो।